हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कीबोर्ड मोबाइल का कीबोर्ड शो नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप मोबाइल यूज़ करते हो रेडमी की कोई भी सेट, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कीबोर्ड आपको शो नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप कुछ टाइप करना है तो यहाँ आप कैसे टाइप करेंगे, शो ही नहीं कर रहा है कीबोर्ड, तो टाइप आप कैसे करेंगे, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमें चलना होगा, सबसे पहले अपने सेटिंग को खोजना होगा। आपका कोई भी रेडमी का डिवाइस हो, कोई भी मोबाइल हो, जैसे कि नोट 7 प्रो, नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, कोई भी हो, तो हमें जाना है सबसे पहले अपने सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद क्या करना है ये हम बताने वाले हैं। तो हमें करना है अपने सेटिंग में एक सेटिंग को खोजना है, एडिशनल सेटिंग। तो आपके मोबाइल में भी ये सेटिंग होगी, उसे आप पहले सर्च कर लेंगे। तो ये रही हमारी एडिशनल सेटिंग, तो इस पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक करना है। जैसे हम लैंग्वेज एंड इनपुट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे करेंट कीबोर्ड आ रही है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद चूज कीबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं, और चूज कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल टाइपिंग यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, और ये नीचे है इसको भी इनेबल कर देना है। और इनेबल करके फिर से हम चलते हैं अपने कीबोर्ड पे, और कीबोर्ड पे जाने के बाद देखते हैं ये ऑप्शन आया या हमारी प्रॉब्लम रह ही गई। तो ये रही हमारी, और देखिए जैसे हम कीबोर्ड पे आते हैं हमारी आ गई कीबोर्ड। इस तरह से आप रेडमी के किसी भी डिवाइस में कीबोर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।